अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे उत्तप्पा, जिसका बैटर हमने इस तरह से, ये बैटर हमने जो आपको डोसे का बैटर जो बताया था वही उसी तरह का सेम हमने बैटर बनाया है। आप हमारी डोसे वाली वीडियो देखें, आप उसमें पूरा तरीका है इसे बनाने का। तो सेम वही बैटर से हम ये बना रहे हैं उत्तप्पा। तीन कप हमने चावल लिया था और एक कप मूंग की दाल और एक कप उड़द की दाल। तो उसका तरीका यह है कि सुबह में भिगाना उसे और रात में पिस के कोई भी गर्म जगह रख दें। तो आप उसमें देख ले, आपको मिल जाएगा उसमें डोसे के रेसिपी में, उसमें हमने आपको अच्छे से बताया भिगाने का तरीका। तो हम उसके बैटर से ही उत्तप्पा बना रहे हैं। तो हम दो किस्म के उत्तप्पा बनाएंगे, एक सादा और एक चीज़ वाला उत्तप्पा बनाएंगे। तो हमें एक टेबल स्पून चीज़ लगेगा और हमने ड्राई गार्लिक पाउडर लिया है। इसे हमने गार्लिक को सुखाकर इस तरह से, दो तीन सूखी हुई लाल मिर्ची मिलाकर इसे इस तरह से पीस लिया था। थोड़ा मोटा मोटा ही रहने देना है इसे, चाहे तो आप मार्केट से तैयार भी ले सकते हैं। और एक टेबल स्पून हमने बारीक धनिया लिया है, इसे अच्छे से बारीक चॉप कर दिया हमने। और एक टेबल स्पून हमने हरी प्याज लिया है और टमाटे तीन टेबल स्पून लिया है, छोटे साइज़ का टमाटर हमने, जिससे है तो बारीक इस तरह क्यूब्स टाइप में काट लिया है। और दो टेबल स्पून हमने शिमला मिर्ची भी इसी तरह बारीक चॉप कर दिया हमने, इसे भी हमने बारीक अच्छे से काट दिया है। तो अब हम इसमें दो किस्म के उत्तप्पा बनाएंगे और ये थोड़ा सा लाल मिर्ची हमें उस पर डालने के लिए लगेगी। ये ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल भी सकते, चाहे तो अगर आप तेज़ नहीं खाना पसंद करते तो आप बिना लाल मिर्ची के भी बना सकते। तो हम चलिए अब आपको उत्तप्पा बनाना बताते। तो चलिए, हमने सबसे पहले एक डोसे का तवा, इस तरह का पैन रख दिया है हमने गरम होने के लिए। और हमें मीठा तेल लगेगा, जो हमने दो तीन टेबल स्पून लिया है, हम इसे थोड़ा सा ही ब्रश से लगाएंगे। सबसे पहले हम इस टाइप के चमचे से, इस तरह के चमचे से हम इसमें बैटर डाल रहे हैं। आपके पास जो भी इस तरह का चमचा हो आप वो ले सकते हैं। तो हम इस चम्मच के हिसाब से एक चम्मच डालेंगे। तो चलिए, हमने आंच को थोड़ी स्लो कर दिया है। सबसे पहले हम हल्का सा से इस पे ब्रश से इस तरह से हल्का सा बस कुकिंग ऑयल लगाएंगे। इसके बाद हम इस पर ये बैटर डाल देंगे इस तरह से। बस अभी हम इस पर हमें जल्दी से इसे सबसे पहले हम प्याज डालेंगे इस पर। और फिर बाद में टमाटे डालेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद शिमला मिर्ची डालेंगे। फिर ये हरा धनिया जो रखा था हमने, ये भी थोड़ा सा डाल देंगे। ये ऑप्शन है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, आपकी मर्जी, आपकी पसंद की सब्जी
कोई भी सब्जी डाल सकते हैं आप इसमें, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, इसे मटकी भी डाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद हम इसमें ये जो हमने गार्लिक पाउडर रखा था इसे इस पर इस तरह से डाल देंगे। इसी तरह से इसको हाथ की मदद से ही मिर्ची भी हम इसमें डाल देंगे। फिर तरह से चारों तरफ से तेल डाल देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देंगे। फिर इस तरह से इसे अच्छे से सब्जियों को इस तरह से थोड़ा दबा देंगे ताकि हम जब इसे पलटाएं तो सब्जी गिरे ना, उसके लिए हमने इसे अच्छे से तरह से दबा दिया। ये हम इसे एक दो मिनट होने देंगे, आँच को फुल कर देंगे हम। एक तरफ से अच्छे से होने देंगे इसको। इसी तरह से अगर आप आपको उत्तप्पा अगर टिफ़िन में बनाना है या आपको जल्दी बनाना है तो आप रवे का उत्तप्पा भी बना सकते हैं। उसे आप है तो रात में उसे एक कप रवा लेके उसे भिगा दें और उसमें दही डालकर रख दें, तो सेम सुबह में इसको बैटर से आप इसी तरह का उत्तप्पा बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि रवे से किस तरह उत्तप्पा बनाते हैं। रवे का उत्तप्पा भी बहुत टेस्टी बनता है। तो ये अच्छे से हो चुका है, अब इसे हम पलटा देंगे। इस तरह से पलटा दिया, तो इधर दूसरे साइड से भी हम दो तीन मिनट होने देंगे, दो मिनट तक होने देंगे। इसी तरह से बाद में हम उसे एक टिश्यू प्लेट में टिश्यू रखकर उसे निकाल देंगे। देखना हमारा अच्छे से हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम उसे एक टिश्यू पे निकाल लेंगे। ये हमारा अच्छे से हो चुका है, अब दूसरा उत्तप्पा डालेंगे हम। दूसरे उत्तप्पा के लिए भी हमने इस तरह का इसे ब्रश से लगा दिया है। इस तरह से आप याद रखें, आप जब भी का बैटर डाल रहे हैं तो आंच को एकदम स्लो कर दें,
सबसे पहले इसी तरह हमने ये जो प्याज रखी थी वो डाल देंगे। सबसे पहले इसमें प्याज, फिर ये शिमला मिर्ची, आप चाहे तो आपके हिसाब से सब्जी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इसको केचप भी लगा सकते हैं। अगर बच्चों के लिए डाल रहे हैं आप तो बच्चों को केचप बहुत पसंद है, तो आप इस पर केचप भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये टमाटर डाल देंगे। अच्छे से हम इसे हाथ से इसलिए डाल रहे हैं ताकि सब तरफ हम अच्छे से बराबर डाल सकें। अगर हम चमचे से डालेंगे तो बराबर सब तरफ नहीं जाएगा चमचे, इसके लिए हम इसे हाथ से ही डालना है। के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, इसके बाद हमने ये जो गार्लिक पाउडर रखा था वो थोड़ा सा डाल देंगे, इस तरह से ये भी डाल दिया है, और फिर थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्ची गुड़ा देंगे इस तरह से। हम इस चमचे की मदद से थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से दबा देंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छे से चिपक जाए, इस तरह हमने पहले वाले की सब्जी उतारे थे। फिर चमचे से थोड़ा इसमें तेल डाल देंगे, थोड़ा आँच को हमने स्लो ही रहने दिया है क्योंकि अभी इस पर हम चीज़ खींचने वाले हैं, इस तरह से हम इस पर चीज़ खींचेंगे। बस एक टेबल स्पून उतना चीज़ खींचेंगे हम इस पर। तरह से हमने इस पर अच्छे से चीज़ डाल दिए हैं, तो ये हमारा चीज़ उत्तपा भी अच्छे से हो रहा है। इसे इसे भी हम 2-3 मिनट तक होने देंगे। आँच को हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, थोड़ा तेज़ किया हमने आँच को। ये हमारा अच्छे से हो रहा है। ये हमारा अच्छे से हो गया है, अब इसे हम पलटा देंगे अच्छे से इसे, और 1 मिनट होने देंगे, फिर उसके बाद इसे निकाल लेंगे। बस ऐसे अब हम पलटा देंगे, ये अच्छे से हो चुका है हमारा, और इसे हम एक टिश्यू पे निकाल लेंगे। तो लीजिए बहनों, एक सादा उत्तप्पा और एक चीज़ उत्तप्पा तैयार है।
बाद में हमने इस पे और एक टेबल स्पून चीज़ फ्रेश घिसा था, वैसे गरम गरम सांभर के साथ खाएं। इस तरह से हम इसको एक पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से इसे काट लेंगे। इस तरह से इसे काटेंगे फिर। तो लीजिए बहनों, ये हमारा उत्तप्पा, चीज़ उत्तप्पा तैयार है।